टी वर्ल्ड कप में कोई ऐसी टीम नहीं थी जो इंडिया को हरा सके। इंडिया अनबीटेबल जो है वो फाइनल में पहुंच गई। आई लव यू, आई लव यू। टी20 वर्ल्ड कप 2024 सिर्फ एक मैच की दूरी पर है और ये सफर खत्म हो जाएगा। और अब तक जो सफर हुआ, हम सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद पता लगा कि टीम इंडिया को हराना तो दूर की बात है, इनका मुकाबला करना भी किसी टीम के बस में नहीं है। वो लोग, वो क्रिकेट एनालिस्ट जो समझ रहे थे कि टीम इंडिया को जस्ट एक वॉकओवर मिल रहा है, सेमीफाइनल जानबूझ के वहां पे रखा, उनको पता चल गया कि आपने अच्छी तरह से लड़ा के देख लिया, पूरे ओवर भी करा के देख लिए, मगर इंग्लैंड कहीं भी उनके बराबर में खड़ा नहीं हुआ। वो लोग जो समझ रहे थे कि इंडिया सिर्फ एशिया की टीमों के साथ खेल रहा, अभी असल मुकाबला तो होना बाकी है, उन्होंने देख लिया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड, कोई उनके बराबर में खड़ा नहीं हो पा रहा है, सबको हराया। अब सिर्फ एक मैच रह गया है जो टीम इंडिया की ताकत को अगर आजमाना है तो सिर्फ एक मैच रह गया है। आज इंग्लैंड हारी नहीं है, इंग्लैंड आज हारी है बहुत ही कुत्तों वाला, क्योंकि तो इंडियन टीम ने जलील करके रख दिया इंग्लैंड बैट्समैन को। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं आया, हमें मजबूर कर दिया टीम इंडिया ने सेलिब्रेशन पे। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, देखिए सेलिब्रेशन हो रही है, आधी रात जाके भाई लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं रोहित शर्मा के लिए। इस दफा हिस्ट्री बने ही बने, अनबीटेबल रह के इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। ओडीआई नहीं जीता, T20 वर्ल्ड कप लाजमी जीतेगा। आज फिर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे, मतलब वही फीलिंग महसूस कर रहे थे, इस तरह ओडी वर्ल्ड कप में था। लेकिन इस मर्तबा कुछ अलग होने जा रहे हैं, इस मर्तबा फाइनल भी जो है रोहित शर्मा जीतने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। बदला पूरे इंग्लैंड का भी बदला, पूरा ऑस्ट्रेलिया से भी पूरा, सारी दुनिया से बदले पूरे हो गए, कोई एक टीम नहीं बची। तो अपने हमसायों के बदले भी पूरे कर दिए भाई, ओडी वर्ल्ड कप में अनबीटेबल, सिर्फ फाइनल हारे और T20 वर्ल्ड कप 2024 में अनबीटेबल और फाइनल भी सफा जीत के जाना वो इंडिया में आएंगे और खुशबू जाना वो बक्सर में आएगी। इंडिया ने इंग्लैंड का जो हमें पाकिस्तानी को हराया उसका भी बदला ले लिया, सबका बदला 2022 का, 2019 का, 2018 का जो भी बदले थे, आज गोरों का वो जो गोरे हम पे रात करके गया वो बदला भी उतार दिया। लास्ट बदला रह गया अफगानिस्तान का, भाई साउथ अफ्रीका को हरा कर वो बदला भी लेंगे भाई फाइनल के अंदर। शिकिरदों का बदला इस वक्त में लेंगे कि ट्रॉफी अपने हाथ में समा के जाना वो इंडिया के मुंबई में लैंड करेंगे। आज ईद का समा बना हुआ है, काबुल, लाहौर, दिल्ली, मुंबई, उसके बाद कराची, भाई सारे मैं कहता हूँ कि मैच ही बहुत बड़ा हो गया है। कराची टू खैबर, लाहौर टू काबुल, काबुल टू मुंबई, भाई एक ही चर्चा है, टीम इंडिया, रोहित शर्मा, बूम बूम बुमराह, भाई बूम बूम भाई बूम। और वो लोग जो समझ रहे हैं कि टीम इंडिया कहाँ खड़ा है और बाकी टीम कहाँ खड़ी है, उनके लिए ये है कि आप बैटिंग कंपैरिजन करके देख लीजिए। रोहित शर्मा है वो इंग्लैंड के बड़े बड़े जो जिसे हम कहते हैं पावर हिटर्स, उनके साथ मुकाबला हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े पावर हिटर्स के साथ मुकाबला हो गया, पाकिस्तानी किंग भी साथ में निपट गए, मगर उनके सामने सब हल्के लगे। आप बॉलिंग का अगर कंपैरिजन करें, मिचेल स्टार्क भी हुए, आर्चर भी गुजर गए, शहीन भी गुजर गए, मगर बुमराह सबसे डिफरेंट नजर आए। आप स्पिन अटैक देख लें, राशिद खान भी गुजर गए, आदिल राशिद भी गुजर गए, मगर कुलदीप और अक्षर पटेल सबसे डिफरेंट नजर आए। साफ है कि एक एक चीज को तोल के देखें, वजनी पलड़ा जो है वो टीम इंडिया का नजर आ रहा है, इसलिए टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक अनबीटेबल है। और जो मुझे इनकी उड़ान लग रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी जनूबी अफ्रीका उनको पकड़ सकता है। मेरी जाती राय यह है कि इंग्लैंड की टीम जनूबी अफ्रीका की निस्बत ज्यादा टफ थी, और जैसा उनको एडवांटेज मिला, जो कि हम सब सोच रहे थे कि इस पिच के ऊपर जिसको टॉस जो जीत गया उसको एडवांटेज मिल गया, और आप ये नहीं कह सकते कि बटलर हैं वो भी पिच को रीड नहीं कर पा रहे या बटलर घबराहट का शिकार हैं, जो हम अक्सर राशिद खान के बारे में हमारे कुछ लोग बोल रहे थे कि घबराहट में आकर उन्होंने ये फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो चेस करने में भी पसंद है, वो ऊपर खेलने में पसंद है, और हमने जाके उनकी सीरीज देखी थी वो हमारे खिलाफ किस तरह खेलते थे। तो कुल मिला के दोस्तों जो ताकतवर है वो ताकतवर है, ये सिंपल एक डिसीजन हो चुका हुआ है इस वर्ल्ड कप को देख के। मुझे याद है जब पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में इंडिया को खेला था तो वहां पे तो साफ था जो टीम टॉस जीत रही थी 70% मैच पे कब्जा कर लेती थी, वहां पे भी उस दिन बारिश हुई थी, हमने टॉस जीता फिर हम हारे। आज के मैच में भी सब ये कह रहे थे जो टॉस जीतेगा मैच पे कब्जा काफी हद तक रहेगा, मगर इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी यूं पूरे के पूरे मैच में छाया रहा, कोई एक मोड़ ऐसा नजर नहीं आया जहां पे लगा हो के कहीं पर गोरे इस मैच के अंदर है, कहीं ऐसा मोड़ नजर नहीं आया। और मुझे लगता है कि अब ये सबको मान लेना चाहिए कि टीम इंडिया दरअसल एक मजबूत टीम बन चुकी है, और जो ना ही तो कंडीशन के मोहताज है, ना ही पिच के मोहताज है, ना ही टॉस के मोहताज है, सबसे खास बात ये है। और जो स्ट्रेटजी के साथ देखें, जब टीम जीत रही होती है उसमें नजर आ रहा होता है कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है। आप देखिए जो
ऊपर से गलती होती है नीचे वाले संभाला दे देते हैं, बैट्समैन से गलती होती है तो बॉलर संभाला दे देते हैं, बॉलर्स में फास्ट बॉलर से हो तो स्पिनर पकड़ लेते हैं, स्पिनर से गलती हो तो फास्ट बॉलर पकड़ लेते हैं, इन सब में गलती हो तो फील्डर अच्छा काम कर देते हैं। कुल मिला के एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में नजर आ रही है और जिसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए वो शक्ल टीम इंडिया की बन चुकी है। और ऐसे में अगर उनका उनके साथ 19-20 फाइनल में हो जाता है तो ये शायद हार लक होगी, अनलक होगी उनकी, बट डिजर्व टोटली और ट्रूली अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है वो टीम इंडिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो जो भी अफ्रीका भी अच्छा खेल रहा है इसमें कोई शक नहीं है, मगर सेमीफाइनल आप अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हो, सेमीफाइनल आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हो, दोनों का सफर डिफरेंट है दोस्तों। जो मजबूत टीम को हरा के आ रहा है उसका पलड़ा उसका कद थोड़ा ऊंचा होता है, मुझे ज्यादातौर पर यह लगता है। और फिर नेपाल के खिलाफ थोड़ा फंसा था जनूब अफ्रीका, इंडिया फंसा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। आप उनका पूरे का पूरा एक चार्ट उठा के देख लीजिए, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सफर, सारे मैच क्लीन उन्होंने जीते हैं, स्वाइक पाकिस्तान वाला है वो जो 5-6 रन से जीता था, जो हम कहते हैं कि एक बाउंड्री अवे था, बट वो भी आप देखिए 92% पाकिस्तान फेवरेट था उस मैच के अंदर, सीधा सीधा हम जीत रहे थे। तो उनके बॉलर्स लेके आए, हम अपने बैट्समैनों को तो बुरा भला बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं खेले, बट देखिए उनके बॉलर्स ने कमाल किया, और वो बॉलर्स ने कमाल सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया, वो हर जगह पे हमें नजर आ रहा है। हेलो नमस्कार है, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुंच गए है। इंग्लैंड के साथ इस सेमीफाइनल में टीम इंडिया टॉस हारी थी और गयाना की इस सपाट पिच पर इंग्लैंड ने इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। इस मैच में भी विराट कोहली ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले रोहित शर्मा ने इस मैच में सूझबूझ वाली पारी खेली। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और अंत में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर भारत का स्कोर 170 के पार पहुंचाया, जो कि इस डेडली पिच पर काफी था। और इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह से इंडियन स्पिनर के शिकार बन रहे थे तो 170 का स्कोर इंग्लैंड टीम को पार जैसे लगने लगा था, जिसे इंग्लिश बल्लेबाज पार नहीं कर पाए। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के फाइनल का स्टेज सज चुका है, लेकिन विराट कोहली इस मैच में भी फ्लॉप हुए। जल्दी जल्दी रन बनाने के चक्कर में विराट कोहली बोर्ड हो गए। विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज का अगर एक पूरा वर्ल्ड कप भी फ्लॉप जाए तो उन्हें वो सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली ने टीम इंडिया को अकेले अपने दम पर कई मैच जितवाए हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जल्दी रन बनाने के चक्कर में विराट कोहली जल्दी आउट हो रहे हैं। अगर विराट कोहली चाहे तो पूरे 20 ओवर भी खेल सकते हैं। साथ ही इस मैच में शुभम दुबे का भी बल्लेबाजी का क्रम चेंज किया गया था, जिसके बाद शुभम दुबे 0 पर आउट हो गए थे। अब फाइनल से पहले ये देखना होगा कि क्या टीम इंडिया में कुछ संभावित बदलाव होगा या फिर भारतीय टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी। इस पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की दो कमजोरियां भी नजर आई है, एक ओपनिंग पार्टनरशिप और दूसरा शुभम दुबे। शुभम दुबे जिस तरह से आईपीएल में बल्लेबाजी करते हैं उस तरह की बल्लेबाजी वो इस वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए है, जिसका एक कारण यूएस है और वेस्ट इंडीज की पिचेस भी हो सकती है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।